शेयर कीजिए, 24 तारीख को हमारे मनु भाई को सपोर्ट कीजिए। 7 साल के, पूरे 7 साल का जो कठिन संघर्ष रहा है उसके बाद इन्हें टिकट मिला है। कितने पैसे खाए आपने इसके लिए? मैंने एक पैसा नहीं खाया, मैंने अपना दिल से सहयोग किया है। तो हेलो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल डेडिकेटेड है हमारे मनु भाई के लिए, क्योंकि दोस्ती का सबसे बड़ा फर्ज है कि आप जब भी कोई आपका दोस्त रहे तो उसका पूरा सपोर्ट करें। इस बार डीएवी कॉलेज से महासचिव पद के लिए हमारे मनु भाई उठे। नमस्कार साथियों, 7 वर्ष के संघर्ष के बाद सत्यम शिवम छात्र संगठन ने मुझे महासचिव का प्रत्याशी बनाया है। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आगामी 24 दिसंबर को मेरे पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें और मुझे विजय बनाइए, ताकि ये पहाड़ का छात्र यहाँ पे जो इतने 7 वर्ष का जो संघर्ष किया है उसका परिणाम मिले और मुझ जैसे आम छात्र डीएवी महाविद्यालय में चुनाव लड़। तो ये रिक्वेस्ट है मन्नू भाई की साइड से और हम सभी पहाड़ी बंदों की साइड से आप सभी से कि 24 तारीख को इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, 24 तारीख को हमारे मन्नू भाई को सपोर्ट कीजिए। 7 साल के, पूरे 7 साल का जो कठिन संघर्ष रहा है उसके बाद इन्हें टिकट मिला है सत्यम की ओर से और महासचिव पद के दावेदार है। तो आज आप मनमोहन रावत की रैली में आए, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको मनमोहन सिंह रावत की रैली में आए हैं आप? एक रुपए की पेप्सी और मन्नू भाई सेक्सी। मन्नू भाई को क्या करना है? चिन्ना भाई जिताने हैं, भाई जिताने हैं। किस पद के लिए? किस पद के लिए? महासचिव पद के लिए। आप क्यों नहीं उठे? मैं उठ रहा था पर मन्नू उठ गया ना पहले, भाई फिर भाई से, भाई के लिए भाई को, तो भाई ने कुर्बानी दे दी। भाई ने कुर्बानी, मैंने सुना आपको टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए आप नहीं उठे। ये गलत सुना आपने, मैंने मन्नू को टिकट दिलवा दिया। अरे ठीक है। अरे नेगी जी, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम पहाड़ी फील हो रहा है। ये आपने हाथ में क्यों बांधा है कपड़ा? इसलिए बांधा कि मैं अभी कलम बांधूं, थोड़ा काम कर रहा हूँ। और मैंने सुना है आप भी उम्मीदवार थे पद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपना समर्थन मनमोहन सिंह रावत जी को दे दिया है। दे दिया है? कितने पैसे खाए आपने इसके लिए? मैंने एक पैसा नहीं खाया, मैंने अपना दिल से सहयोग किया है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पंकज भाई आप यहाँ पर पहुँच गए, आपने अपनी छाती पे मनमोहन जी को लगाया है, अपनी छाती फाड़ के आप दिखा रहे हैं कि मनमोहन आपके छाती में बसे हैं। कमोरा जी, क्या क्या लग रहा है आपको? बस बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ मन्नू भाई के लिए, तो मन्नू भाई के लिए पूरा फुल सपोर्ट मन्नू भाई के लिए। आप पेट फाड़ के, हर जगह फाड़ के, सिर्फ मन्नू भाई हमारे साथ है। आशीष नेगी जी, जो बड़े बड़े सपने लेके देहरादून में आते हैं। साथियों मेरे साथ साथ संघर्ष किया देवी महाविद्यालय में, मैं एक किराए के कमरे में रहता था। साथियों मैं किराए के कमरे पे मैंने संघर्ष किया, यहाँ पे 7 वर्ष दिन और रात मैंने डीएवी कॉलेज को दिए हैं। बस 2 दिन का समय मुझे और दीजिए, मैं आपका जीवन बराबर ही रहूंगा। साथियों बहुत बढ़िया, शाबाश।